बैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद अशरफ यहाँ बैठा हूँ। मैं पोल्ट्री के मसाइल ड्यू टू जो आप प्रेसिस पहुँचे जो सोयाबीन के जहाज खड़े हुए हैं समंदर में, कुछ अनलोड हो चुके हैं, कुछ दो खड़े हैं अभी, उसमें तकरीबन कोई 4-4.5 लाख टन माल पोर्ट में खड़ा है। उसकी वजह से सबसे पहला जो है पोल्ट्री डिस्टर्ब होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी फीड का 30-35% सिर्फ सोयाबीन और कनोला उसमें इस्तेमाल होता है, और वो दोनों चीज़ें रुक गई हैं। हमें पोल्ट्री के लिए इसके इसका कोई नेमत बदल हमारे पास नहीं है फीड बनाने के लिए। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी लोगों से, मिनिस्टरों से भी, वज़ीर आज़म भी अपील की है, अखबारों में अपील छपी है, टीवी भी आ रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई मसला हल नहीं हो रहा। हम आप लोगों के तवसत से आने वाला तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि खुदा रहा ये इस इंडस्ट्री के साथ 20 लाख लोग वस्ता हैं, 20 लाख लोगों की आगे फैमिलियाँ हैं, तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का भी और पाकिस्तान में फूड क्राइसिस का भी, क्योंकि एक वाहिद सस्ती प्रोटीन है जो हम मुहैया कर रहे हैं, गोश्त और मीट या बीफ जो है ना वो बहुत महंगा है, लेकिन बीफ और मीट भी इसी फीड से बनता है, उसमें भी सोयाबीन और कनोला इस्तेमाल होता है। अगर ये नहीं होगा तो ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा ना आगे। एक हफ्ते में, पिछले 4 दिन में फीड के मुर्गी के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, अगले एक हफ्ते तक और रेट बढ़ेंगे और 15-20 दिन के बाद मुर्गी नापैद हो जाएगी। अगर आज भी हमें ये सोयाबीन रिलीज़ करके दे दें, फिर भी मुल्क में 1.5 से 2 महीने की पोल्ट्री शार्टेज आएगी। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए। हम मिनिस्टर, फूड मिनिस्ट्री से, चीमा साहब से और वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि हमारा इस मसले का हल निकाला जाए। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ पोल्ट्री फीड से ताल्लुक नहीं है, इससे डेयरी की फीड भी बनती है जिसको वंडा कहते हैं। अगर ये नहीं बनेगी तो दूध की भी शार्टेज होगी और मटन और बीफ की भी शार्टेज हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ ये पोल्ट्री फीड मिले जितनी हैं, ये पाकिस्तान में 2 फसलें मक्की की पैदा हो रही हैं जिनके 90% खरीदार ये फीड मिल वाले हैं जो पोल्ट्री में इस्तेमाल होती है। अगर ये खरीदार नहीं रहेंगे तो मक्की के काश्तकार को उसकी काश्त के आधे पैसे भी नहीं मिलेंगे, वो भी एक पूरा सेक्टर जो है ना वो बैठ जाएगा। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है आने वाला से कि इससे जल्द से जल्द सोयाबीन को रिलीज करके हमें मुहैया किया जाए और हमारे हाथ पर रहम किया जाए। बाकी सोयाबीन क्लियर क्यों नहीं हो रही इसके मतलब मियाँ जानवी साहब आपको तफसीली बात बताएंगे कि इसकी क्या वजह है। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं अपने साथ मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारी जो बात है आगे ईवानों में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिजनेसमैन और मीडिया का आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक होता है। मीडिया का काम यही होता है कि जो मसले हों उनको हाईलाइट किया जाए, और हाईलाइट करने के बाद जो साहिब इख्तदार हैं या जिन्होंने उन मसले को हल करना होता है उनको जाकर बताएं, और उसकी जो 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 उसके बाद उसकी जो आफ्टर शॉक जो बाद में जो चीज़ें आ रही होती हैं वो उनको इन टाइम बताएं ताकि आगे कोई मसला ना हो। पिछले 40 दिन से हमारा पहला जहाज़ जो रुका हुआ था वो 40 दिन हो गए हैं आज, और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत सारी अपीलें की, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपीलें की, और उसके बाद हमारा फूड सिक्योरिटी वाला उनसे अपीलें की, और हम जाकर मिले भी, और क्लाइमेट चेंज वालों से भी मिले, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी उनको और अपीलें की, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, सब ने, फैसलाबाद, सब ने रिक्वेस्ट की, फेडरेशन ने भी रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक हमारा जो मसला वहाँ का वहाँ ही खड़ा हुआ। उसके बाद हम कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास गए, हर एक के पास हम गए, लेकिन उनको हमने लेटर भी दिए, सारा कुछ दिया, लेकिन अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। मसला है क्या, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। मसला ये है जीएमओ और नॉन जीएमओ का। हमारा मुल्क नॉन जीएमओ है और ये जो सीड पिछले 10 साल से आ रहा है ये जीएमओ है, लेकिन आप देखें ये 96 से आ रहा है। 96 के अंदर भी गवर्नमेंट ने
जो यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें सीड भेजा था, सोया सीड भेजा था, दैट वाज आल्सो जीएमओ। और जो हमारे F-16 तैयारे रुके थे उन्होंने उसको कंपनसेट करने के लिए हमें काफ़ी सारा सीड भेजा था, गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऑक्शन की थी और वो भी जो था वो भी जीएमओ था। और तीसरा हमारी जो कॉटन है वो भी जीएमओ है। बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं वो जीएमओ रिलेटेड हैं, जीएमओ से वो बनती हैं और मुल्क के अंदर यूज़ हो रही हैं। कॉटन जीएमओ है, कॉटन की जो खल है हम भैंसों को खिलाते हैं वो जीएमओ है। इसी तरह ये जो है हम सोयाबीन मंगवाते थे ये भी जीएमओ है। और ये पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली आ रहा है, अभी तक किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। अभी हुआ ये कि किसी ने कंप्लेंट की कि जो सीड आ रहा है ये जीएमओ है, तो कस्टम वालों ने वहाँ पे छापा मारा। छापा मारने के बाद उन्होंने वो कहते हैं कि आप इसको रिलीज़ आर्डर ना दें, और जहाज़ वहाँ पे रोक लिए गए। अब जहाज़ वहाँ पे रोक लिए गए, फिर हमने उनको काफ़ी बताने की कोशिश की गई, लेकिन वो उन्होंने अभी तक हमारी जो है बात वो नहीं पहुँची। दूसरा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2.5 मिलियन टन मंगवाते हैं साल का, और 1 मिलियन टन वो भी कनोला सीड, वो भी जीएमओ, वो हम मंगवाते हैं। और अमेरिका 60 मिलियन टन खुद यूज़ करता है। और हमारे मेरा ख्याल है कि हमारा जो मिनिस्टर है फूड सिक्योरिटी का, शायद इनको ब्रीफ अच्छा नहीं किया गया, उनको सही बताया नहीं गया। उन्होंने कहा जी कि शायद इससे कोई कैंसर फैलता है या कुछ होता है, और अमेरिकन खुद यूज़ नहीं करते। हम उनको पूरा डॉक्यूमेंट्री सबूत देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, उनको बताया भी है कि ये जो सारा अमेरिका खुद 60 मिलियन टन यूज़ करता है। उसके बाद जो है आपका, ये मैंने आपको ना नेट पे निकाल कर दिया सारा, जो चाइना है वो 90 मिलियन टन यूज़ करता है, सारा अमेरिका से जीएमओ इंपोर्ट करता है। यूरोपियन यूनियन जो कि सारा नॉन जीएमओ है वो भी जीएमओ सीड मंगवाता है। और ये और जापान वगैरह, मेक्सिको, जापान, ये सब मंगवाते हैं। ये मंगवाते हैं क्रशिंग के लिए, हम भी मंगवाते हैं क्रशिंग के लिए। हम उनको कहते हैं कि ये हम जो सीड मंगवा रहे हैं ये फॉर क्रशिंग है, हम सोइंग के लिए नहीं मंगवाते। क्रशिंग के लिए हम करते क्या है, ये आता है सीड, हम इसकी क्रशिंग करते हैं, तेल निकलता है, एक तेल निकलता है, तेल को हम रिफाइनरी में जाके एडिबल ऑयल बनता है, वो इंसान यूज़ करते हैं। और इसका जो रेजिड्यू रह जाता है वो प्रोटीन है, वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वो फिर हम मुर्गियों को खिलाते हैं, वंडा बनाते हैं, और एक्वा फीड में भी यूज़ होता है। जो हमारे फिश पॉन्ड जितने बने हुए हैं और जो हमारी फिश की जो प्रोडक्शन बढ़ रही है वो भी इसी वजह से बढ़ रही है कि जो सोया मील है एज ए प्रोटीन सोर्स हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ही चीज़ ऐसी है जो सेल्फ सफिशिएंट है, वो पोल्ट्री है। आज तक पोल्ट्री हमने कहीं से इम्पोर्ट नहीं की। बाकी आप कोई चीज़ देख लें, आप गंदम देख लें, आप चीनी देख लें, कभी हम बाहर भेजते हैं, कभी उसको कभी मंगवाते हैं, कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है जिसके अंदर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। और कॉर्न के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हैं, और ये जो है पोल्ट्री के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हैं। बल्कि पोल्ट्री के अंदर हम जो हैचेबल एग है ये हम बाहर उनसे हम बाहर भेज के तो हम रेवेन्यू भी इन द शेप ऑफ डॉलर ये गवर्नमेंट को देते हैं। काफ़ी सारा हमारा हैचिंग एग हम एक्सपोर्ट करते हैं और उस एक्सपोर्ट से हम डॉलर मुल्क के अंदर लेकर आते हैं। ये जो सीड भेजते हैं हमें, ये सीड के अंदर इसको वाइटनिंग करके भेजते हैं। वाइटनिंग क्या होती है, इसके अंदर फ्यूमिगेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन करने के बाद होता ये है कि ये इसकी जर्मिनेशन जो होती है वो हो नहीं सकती। ये मंगवाते हैं, जैसे हम तेल मंगवाते हैं ये, और दूसरा जो है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी ज़मीनों में इसको उगा नहीं सकते, इसलिए ये क्रशिंग पूरी दुनिया भर मंगवाते हैं। हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब से इल्तमाश करते हैं, उनको गुजारिश करते हैं कि हमने काफ़ी सारी अपीलें की हैं अखबारों में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमने काफ़ी सारी अपीलें की हैं, लेकिन अभी तक हमारी दादरसी नहीं हो सकी। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनसे अपील करते हैं कि ये हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। 30 तारीख को एक कमेटी इन्होंने कंस्टिट्यूट की है जिसके अंदर 6 मिनिस्ट्रियों के लोग शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे 48 घंटे के अंदर अंदर ये मुझे इसकी रिपोर्ट दें, तो आज उसके 48 घंटे हो गए हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि 48 घंटों में उसकी मीटिंग भी नहीं हो सकी। यानी कमेटी तो बना दी गई है लेकिन उसकी मीटिंग नहीं कॉल की। कल भी छुट्टी है फेडरल गवर्नमेंट में, परसों संडे है, फिर छुट्टी है। अब अल्लाह करे कि हम मिल रहे हैं, अल्लाह करे कि ये हमारी कोई मंडे को ये मीटिंग कर लें, लेकिन किसी को अभी किसी बंदे को इंटीमेट नहीं किया गया कि वो मीटिंग में आए और हमारा जो है
जो मसला हल करें। हमने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दी है और हमें तक अभी तक कोई इंटीमेशन भी नहीं आई कि हमें बताया जाए कि कब मीटिंग है ताकि हम आपके पास आएँ और उसके बाद हमारा मौका भी सुने और हम पूरी डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ आएंगे और फिर इंशाल्लाह अपना जो ये मौक़ भी है और बाकी जो सारा कुछ इनको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ अपील के लिए आए हैं आप लोगों के तवस्से से। हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपने ये रिलीज़ ना किया, एक महीने के 15-20 दिन के अंदर अंदर यह मुर्गी ना पैद हो जाएगी, मुर्गी और अंडा दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि 40-42 दिन में मुर्गी तैयार होती है। वो 40-42 दिन अगर इनको सोया ना मिला, लोगों को फीड ना मिली, तो ये मुर्गी तैयार नहीं हो सकेगी और उसके बाद फिर अल्लाह ही हाफज है और फिर ये होगा कि ये दोबारा इसको अपने पाँव को आने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। अगर हम आज रेट तय करते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे लोडिंग करते हैं, सीड जो है लोडिंग करने के बाद फिर वो आता है 35 दिन समुंदर में लगते हैं, फिर 8-10 दिन जो है क्लियरिंग में लगते हैं, 8-10 दिन जो है हमारे जो फैक्ट्रियों में पहुंचने में लगते हैं, ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगते हैं। एक जो कंसाइनमेंट होती है, ये एक जहाज़ होता है, उसको जो मुल्क जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ से लेकर और हमारी साइट पर पहुंचने में, उसके बाद उसकी क्रशिंग होती है, क्रशिंग होने के बाद ऑयल रिफाइनरी में जाता है और जो बाकी मील होता है वो जो होता है हम फीड मिलों में यूज़ करते हैं। अभी भी हम बहुत लेट हो चुके हैं और हम इसीलिए गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से और आपके तवस्से से हम जो है गवर्नमेंट के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बाकी मिनिस्टर साहब हैं, उनको गुजारिश कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके ये जितनी जल्दी हो सके हमारा ये मसला हल करें ताकि हम सस्ती प्रोटीन लोगों को अंडा और सस्ती प्रोटीन दे सकें। चिकन सस्ती प्रोटीन है लोगों के लिए और दूसरा ये कि 20 लाख, जैसे चोर साहब ने कहा, 20 लाख लोग इसमें, 20 लाख फैमिलीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और ये सारा कुछ जो है ये रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में नहीं है, रूरल एरिया में है। रूरल एरिया के अंदर लोगों ने अपने फार्म बनाए हुए हैं, उनके अपने बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काम आती है और फिर मुर्गी तैयार करके वो शहरों में भेजते हैं। अगर ये बंद किया गया हो गया और मील इन्होंने ना दिया तो हम तो मजबूर हो जाएंगे कि और हफ्ते के बाद जो फीड मिलें काफ़ी सारी बंद हो गई हैं और बाकी भी बंद होने के करीब हैं, वो 10 दिन के अंदर फीड मिलें बंद हो जाएंगी और उसके बाद ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। आपने देखा बाहर कि हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए किया था और इतने लोग तंग आए हुए हैं, तंग आए हुए हैं, वो लोग सारे निकल के आ गए और बाहर मेरा ख्याल 1000-2000 बंदा पहुँचा हुआ है और इसीलिए कहा रहा है कि हम अपना जो हम अपनी आवाज़ जो इकतदार के ईवानों तक पहुँचाएँ ताकि ये मसला हमारा हल हो। मेहरबानी, थैंक यू। अमेरिका ने सोयाबीन को जहरीला होने की वजह से उस पर पाबंदी लगाई है, जो वजारत खुराक है वो भी पाबंदी लगाना चाह रही है, आप इस सोयाबीन को पाकिस्तान दरामद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? भाई मैंने आपको पहले बताया कि 60 मिलियन टन अमेरिका खुद यूज़ करता है, हम उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देते हैं, अमेरिका खुद यूज़ करता है। इवन ये कि अमेरिका का सोया का जो मील है वो सॉरी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई जहरीला नहीं है, कुछ नहीं है। वही मैंने जहाँ आपको पहले बताया, किसी बंदे ने हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं ना उसको ब्रीफ ठीक नहीं किया, उनको ब्रीफ ठीक नहीं किया, हम इंशाल्लाह उनको ब्रीफ करेंगे, उम्मीद है वो हमारी बात समझेंगे और इंशाल्लाह हमें इजाज़त दे देंगे। अमेरिका के अंदर यूज़ हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के अंदर 15 मिलियन टन यूज़ हो रहा है, चाइना के अंदर 90 मिलियन टन यूज़ हो रहा है और जो मैंने आपको पेपर दिया है कि उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है कौन सा मुल्क कितना कितना यूज़ कर रहा है और ये सारा जो है जीएमओ सीड यूज़ करते हैं और क्रशिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके 3 चीज़ें बनती हैं, एक तो इसका बनता है तेल, दूसरा मील और तीसरा साबुन बनता है। कल को साबुन भी कहेंगे जीएमओ आ गया, ये भी हमें नहाना नहीं है, जो साबुन भी जो कपड़े धोने वाला उससे भी ये इसी का जो वैक्स निकलती है, बाकी चीज़ें निकलती उससे साबुन बनता है, ये 3 चीज़ें इससे बनती हैं जी। वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, हमारे पास रिपोर्टें हैं, अगर हम आपको भी वो रिपोर्टें प्रोवाइड कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर ये बताइएगा कि जो आप लोगों की पोल्ट्री की सरदार रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मुर्गी अंडा भी यानी 30 रुपये का पहुँच चुका है, तो ये बताइएगा कि ये जो पोल्ट्री की और इसकी आपकी सनत है, कुल सनत का कितना फीसद हिस्सा जो है वो जो हमदा शहबाज वगैरह या उनका हिस्सा है और ये जो मामलात हो रहे हैं इसमें जो है शहबाज शरीफ की जो बैठे हैं हमदा शहबाज या इन लोगों का कितना हाथ है इसके? कोई हाथ नहीं है, जीरो है जी। पहले 2 फार्म होते थे उनके, एक उन्होंने बेच दिया है, दूसरा उनका खाली पड़ा हुआ। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जीएमओ जो है
दुनिया के अंदर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप कहता है कि ये सेहत के लिए नुकसान दे है, दूसरा कहता है कि ये फायदा मंद है। और पाकिस्तान के अंदर जीएमओ कोई सीड कास्ट नहीं हो रहा सिवाय बीटी कॉटन के, ठीक है, और मकई और सारे दूसरे कोशिश कर रहे हैं बीज लाने की, लेकिन पाकिस्तान यहाँ कास्ट करने नहीं दे रहा, पाबंदी लगी हुई है। आप इस बीज को क्यों लाना चाहते हैं, और अगर आप ये इसको खिलाएंगे आम इंसान को, तो क्या इंसान को मुर्गी जब उस फीड को खाएगी इंसान को उससे नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं। दूसरी बात यह है कि उस दिन जो कमेटी में हुआ चीमा साहब के साथ बदमजगी हुई है, उसमें आप क्या समझते हैं कि चीमा साहब को गलत ब्रीफ किया गया या असल वजह उसकी क्या थी कि चीमा साहब इतने हाइपर हुआ, घूम वाली हुई और आपस में तरफ चला? मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है जी, वो उनके ना कोई उनको फीड ठीक नहीं किया गया, उनको सही बताया नहीं गया। बाकी चीमा साहब हमारे भाई हैं, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की, हमारी बात बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सुनी है, वो कहते थे कि हाँ जी मैं हल करूँगा, फिर बहरहाल वो गए, कुछ तो उनकी तल्ख कलामी होगी, फिर वो जो अजलास हो नहीं सका, इंशाल्लाह दोबारा होगा, हम दोबारा जाएंगे चीमा साहब के पास, रिक्वेस्ट करेंगे और उनको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उनको कायल करने की कोशिश करेंगे।